कौन चीज नाचे लानू कौन चीज हम नाची चाय 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 तो कहा का कि यांत्रिक धारा यांत्रिक गुण है कौन कौन गुण है हई देख पंखा नाचता पंखा का करता चौथा में देख पड़ा नाचे ले सब ठीक बा तो जब गोल गोल हम फेरा मारी एक के जगह तो कहा कि यांत्रिक प्रॉपर्टी में आ गया यांत्रिक गुण में आ गया तो पंखा करेंट ले रिया है और नाच रिया है पंखा पहले करेंट टानता और तब का होता नाचता और जनरेटर उल्टा सिस्टम होता है उनका स्टाइल देखनी है तो हमारा मन भावन हो गई है आँख के ठेल के हेने फिट करी है और हेकरा के लेके हेने करी है मैंने रिसर्च करत रहा मान लें ठेल जन हई अखिया निकल गई तो हमें खोखा रही नहाए हैं आप है अरे हंसते कहाँ हैं नहाए हैं आज नहाए हैं कि नहीं अच्छा तब ठीक है नहीं नहाते तो बगल में यहाँ बना हुआ है हम लोग देह में साबुन गजगजा देते आप देह मलते रहते नहाते रहते आ सब मिलके झामा रगड़ देते उनसे अभी मत कहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झामा जब कोनो चीज़ नाची तो कामना गुण में बा कोनो चीज़ नाचेगा तो यांत्रिक गुण में अब जनरेटर नाच के करेंट फेंकेला कि बिना न चले तो जब नाची तो कहा यांत्रिक गुण में है कौन गुण है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है पहले नाचता तो फेंकता आ हई पंखा जो है पहले विद्युत ले दा तब नाचता तो कहा विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदल रहा है यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कभी देखा है जनरेटर कि कितना पैसा लगा के एकदम 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपया लगा के बड़का बढ़िया जनरेटर लाया और रखते रखते समियाने में आग लगा दिलस काहे रे ज़्यादा पैसा का था बिना नचले आग लगा दिलस आ नचा देती तो सोच क्या करी का मंडप वंडप दुल्हा दुल्हन के सब लोग करवा दी हाँ विद्युत बढ़ जी ये करेंट लेकर प्रकाश फेंकता बढ़ जा तो कहा है कि विद्युत लेकर प्रकाशीय ऊर्जा में आ है अति करेंट लेके नाचता तो नाची तो कौन ऊर्जा अच्छा जनरेटर नाच के करेंट फेंकता यांत्रिक ऊर्जा को समझ गए लिखे लिखवाते हैं बोला जाए सबसे पहले बनावट तथा क्रिया विधि में इसमें कितने चुंबक होते हैं दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं कितने शक्तिशाली चुंबक हैं हाँ यहाँ पे एव का न अर्थ है एव का एक दूसरे के समक्ष रखा गया है मैंने एक दूसरे के सामने रखा गया है अब इसमें देखिए एक कुंडली इसमें रख दिया जाता है कुंडली है यहाँ एक कुंडली है देखिए ठीक है कुंडली के ठीक बीचों बीच एक लकीर हम खींच देते हैं ताकि पता चले कि ये मध्य लकीर है ना जब नॉर्थ है और साउथ है तो बीच में आकर्षण होगा विपरीत आवेश विपरीत ध्रुव है तो आकर्षण होगा आकर्षण के चलते बीच में क्या बन जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा आकर्षण के चलते इसमें बीच में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसके बाद क्या करेंगे इसके बीच में तार की बनी हुई कुंडली को रखते हैं भाई दो गो चुंबक है इसका एक नॉर्थ है इसका साउथ इधर होगा इसका साउथ है इसका नॉर्थ इधर होगा ठीक है दोनों को सामने रखा गया है तो होता क्या है कि इसमें विपरीत ध्रुव के चलते खिंचाव पैदा होता है आकर्षण पैदा होता है जब खिंचाव पैदा होगा तो बीच में कौन क्षेत्र बनेगा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तार की बनी हुई है आयताकार कुंडली को इसमें व्यवस्थित किया गया है और उसके बाद क्या किया जाता है इसको संबंधित कर देते हैं इसको कहा जाता है सर्पी बलय इसको हम बताएंगे ठीक है कि इसका काम क्या है एक सर्पी बलय से जोड़ दिया जाता है दूसरा भी सर्पी बलय बना देते हैं क्या हम देखिए ध्यान दीजिए सर्पी बलय इसको कहते हैं सर्पी बलय और ये जो है रबड़ का ब्रश है मुँह धोबे वाला ना हो का तो सर रबड़ का ब्रश है बस एकदम दाँत हेंग कैले चल ले ना चाहे रगड़ ना गजी कौन हंसा इस तरह से कृपया मर्दाना आवाज में हंसे ना ऐसे हंसिएगा कि ऐसे हंसिएगा तब ए लड़की पट्टी डोंट डू हर एंड गदर हियर तब उधर बोल रहे हैं तुम लोग हंस रही है ना हमारा झूठा नोचेगा बाद में कहे कि जी कहेगा कहा कि ठीक बा इतना लोग के हंसनी तो हंसनी है ओकनी क्या हंस ही है क्या हो स्प्रिंग है या कहिए तार है तार के माध्यम से निर्गत कर दिया जाता है निर्गत मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है अब क्या डोंट डू हेलाइन गदर हियर अब यहाँ पे बुआ का पर्वत ही ध्यान दो वो बार से तू हाथ मत जब चम्पिए करे के बाद मालिश करे के बाद आओ लिया करुआ तेल आओ भर देह पोत दे तनी
कोई को चुंबक है बा बहादुर एगो का नॉर्थ है का आकर्षण के विकर्षण बीच में कौन क्षेत्र बना कुंडली कौन जी का है तार का। अब इसको सर्फी बल्ब पर फिट किया गया है और रबड़ के ब्रश से एथी करके मैंने संबंधित करके तार के माध्यम से निर्गत कर दिया था। मोटर की सहायता से अब कुंडली को नचाएंगे। देखे होंगे जनरेटर में मोटर जब तक चलेगा नहीं तब तक धारा बहेगी नहीं, देखे ना भाई, जब तक मोटर चलेगा नहीं अब उसमें डीजल और पेट्रोल से थोड़ी करंट बहता है, उतने स्पीड में तो हाथ है नचाओ लेकिन उतना स्पीड में नचबे नहीं करेगा, समझ रहे ना। तो इसको नचाइएगा, जब ये नाचे लगी तब फ्लक्स बदलेगा, क्या बदलेगा, और जब फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो धारा बहेगी। एगो ट्रिकवे बा कि जब भी फ्लक्स बदले, जब भी क्या बदले, फ्लक्स बदले, तो जब फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और क्या बहेगी, धारा बहने लगेगी, समझ रहे ना। तो इसी प्रकार से इसमें इसके द्वारा करंट को प्राप्त किया जाता है और इसमें फैराडे का प्रेरण का नियम लगाएंगे और जो सूत्र प्राप्त करना होगा उस सूत्र को हम लोग प्राप्त करेंगे, समझ रहे ना। तो सबसे पहले चित्र बनाइए, लिखवाते हैं।